Now next C program, how do you reversing word of the strings? Clear? In previous case में just मैंने discuss किया था reverse operation के relation में just how to reversing each character of the string. लेकिन इस case में characters को reverse ना करा के just reverse क्या कराना word of the string. For example, अगर आपके पास कोई string available like ABC, ABCD. अगर इसे string के case में characters को reverse करने के लिए बोला जाए तो सबसे पहले आप write down क्या करो last character, then its previous, then again its previous. Then again it's previous means this is the operation reverse of string. In this case, just reverse क्या करना? Reversing word of the string. For example, अगर आपके पास input string है like you are good guy, अगर आपके पास इस टाइप से कोई भी string available है, then just इस केस में perform क्या करना? Reversing word of the string. जिस टाइप से previous case में string के अंदर total number of characters कितने थे? 4 characters. Similarly, इस केस में total number of words कितने? 4 words. 1, 2, 3, 4. इस words are separated by spaces. तो इस केस में अगर words को reverse करने के लिए बोला जाए, जैसे previous case में सबसे पहले write down क्या किया था इस केस में? Last character. इस केस में सबसे पहले क्या आएगा? Last character क्या था? D. Similarly, इस केस में सबसे पहले write down क्या आएगा? Last word. Last word क्या है इस केस में? Guy. Next one, it's a previous. Previous क्या था? C. Similarly, इस केस में गाय का just previous word क्या है? Good. Space, good. Means इस केस में words के characters को reverse ना कराके just reverse क्या कराना है? Each words. Next one, next character क्या है? Just B. Same है, next word क्या है इस केस में? R. Same है, next character is A and next word is U. इस केस में अगर आपने कोई भी इनपुट स्ट्रिंग एंटर किया है लाइक दैट यू आर गुड गाय देन करेस्पोंडिंग आउटपुट क्या जनरेट होना चाहिए इससे करेस्पोंडिंग आउटपुट शुड बी गाय गुड आर यू क्लियर मींस इस टाइप के ऑपरेशंस परफॉर्म कराना वन मोर थिंग्स अगर आप इस टाइप सेम प्रोग्राम किसी भी नेट पर या कहीं भी सर्च कर दो हो सकता है सेम प्रोग्राम को क्रिएट करने के लिए आपके पास कई सारे लॉजिक्स हों जो मैं आपको सबसे इजीएस्ट वे बताऊंगा प्लस इसका कॉम्प्लेक्सिटी कैसा होगा बेटर कॉम्प्लेक्सिटी कंपेयर टू अदर प्रोग्राम्स बेटर कॉम्प्लेक्सिटी रिगार्डिंग ऑपरेशंस और रिगार्डिंग स्पेस इसे स्पेस की बात करें कई सारे प्लेसेस पर आपको सेम प्रोग्राम सेपरेट एरे में परफॉर्म करा मींस दिस इज द इनपुट एरे देन सेम एरे में ऑपरेशंस परफॉर्म करा के कई प्लेसेस पर न्यू एरे क्रिएट करने के लिए आपको गाइड दिया जाए लेकिन आपको इस केस में कोई भी न्यू या स्पेस एलोकेशन कराने की जरूरत नहीं है सेम स्पेस में आपके लिए प्रोग्राम को सॉल्व करना पॉसिबल है अगेन सबसे पहले इस प्रॉब्लम को फिनिश करने के लिए सबसे पहले मैं आपको इसके लॉजिक्स इंप्लीमेंट कराऊंगा बेस्ड ऑन गिवन एग्जांपल्स मैंने ऑलरेडी राइट डाउन कर लिया जिससे टाइम वेस्ट ना हो इसे इनपुट स्ट्रिंग के अकॉर्डिंग जस्ट सबसे पहले डायग्राम्स के थ्रू मैं ड्रॉ करके सारे ऑपरेशंस बताऊंगा देन फाइनली राइट डाउन क्या करेंगे सोर्स कोड जिससे आपके लिए बेटर आइडिया बेटर मैनर में समझना पॉसिबल होगा इन दैट केस ये सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा इस केस में अगर आप डायरेक्टली फर्स्ट वर्ड को लास्ट वर्ड से स्वैप कराओगे देन इस केस में आपके लिए काफी कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस होंगे दूसरा केस अभी तो कोई दिक्कत नहीं गिवन स्ट्रिंग है सपोज अगर कोई स्ट्रिंग इस टाइप से लाइक आई लाइक प्रोग्रामिंग आई लाइक प्रोग्रामिंग अगर इस टाइप का कोई वर्ड है इस केस में फर्स्ट वर्ड को लास्ट वर्ड से स्वैप कराना पॉसिबल नॉट पॉसिबल रीजन क्योंकि फर्स्ट वर्ड के अंदर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं 1 और लास्ट वर्ड के अंदर कैरेक्टर्स कितने हैं 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 वर्ड्स तो 11 वर्ड्स जब फर्स्ट प्लेस पर जाएंगे तो स्पेस पर टोटल नंबर ऑफ बाइट्स भी कितने रिक्वायर्ड होंगे 11 वर्ड्स जबकि आई के पास या फर्स्ट वर्ड के पास अवेलेबल वर्ड्स कितने ओनली 1 बाइट्स सेम है जिस प्लेस पर जब प्रोग्रामिंग के प्लेस पर आई ट्रांसफर होगा तो आई के लिए ओनली 1 बाइट सफिशिएंट है जबकि प्रोग्रामिंग के पास कितने बाइट्स हैं 11 बाइट्स मींस डायरेक्टली इस टाइप से स्वैप वर्ड टू वर्ड इस बिगिनिंग टू एंड प्लेस में इस वर्ड टू वर्ड ट्रांसफर करना या स्वैप कराना पॉसिबल नहीं क्योंकि इस केस में जस्ट प्रॉब्लम किसके रिस्पेक्ट में आएगा स्पेस को लेकर लेकिन अगर आप सेपरेट एरे क्रिएट करते हो देन आपके लिए इस टाइप से स्वैपिंग करना पॉसिबल है क्लियर क्योंकि इस केस में जस्ट प्रॉब्लम क्या है अगर आप प्रोग्रामिंग को स्टार्टिंग में ट्रांसफर करोगे देन इस केस में प्रॉब्लम क्या जाएगा पी आर ओ जी ई मींस लाइक दो इस केस में रिमेनिंग वर्ड्स भी इससे क्या हो रहे हैं जस्ट रिप्लेस क्लियर नेक्स्ट टाइम लाइक को रिवर्स कराने के लिए आपके पास लाइक टाइप का कोई वर्ड ही अवेलेबल नहीं क्लियर दिस द प्रॉब्लम देन फाइनल इस केस में जस्ट बेटर आइडिया बता रहा हूँ मीन्स सबसे पहले आपका जो भी ओरिजिनल स्ट्रिंग है इस ओरिजिनल स्ट्रिंग के रिस्पेक्ट में परफॉर्म क्या कराएंगे रिवर्स ऑपरेशन मीन्स रिवर्स द गिवन स्ट्रिंग फॉर एग्जाम्पल आपके पास ओरिजिनल स्ट्रिंग क्या है यू आर गुड गाय यू आर गुड गाय
इज द ओरिजिनल स्ट्रिंग। जस्ट इसके रिस्पेक्ट में जस्ट परफॉर्म क्या कराना चाहता हूँ, रिवर्सिंग होल स्ट्रिंग। इसके अंदर जितने भी कैरेक्टर्स हैं सारे कैरेक्टर्स को रिवर्स कराएंगे, सारे कैरेक्टर रिवर्स हो जाएंगे। इस केस में सबसे पहले क्या है, लास्ट कैरेक्टर है वाई, देन सेकेंड लास्ट है यू जी, देन स्पेस, देन डी ओ जी, नेक्स्ट टाइम क्या है स्पेस ए आर ई, ए आर ई के केस में रिवर्स क्या है इसका ई आर ए। नेक्स्ट वन जस्ट क्या है यू, यू के केस में इसका रिवर्स फॉर्म क्या है यू ओ वाई। क्लियर, दिस इज द गिवन केस। मीन्स फर्स्ट सबसे पहले जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है इसे कंप्लीट स्ट्रिंग को मैंने रिवर्स कराया, मीन्स सारे कैरेक्टर्स रिवर्स हुए ना कि वर्ड्स। इसे कंप्लीट स्ट्रिंग को रिवर्स कराने के बाद, मीन्स रिवर्स कराने के लिए आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फंक्शन क्या है, इस चाहो तो रिवर्स के लिए खुद से ऑपरेशन राइट डाउन कर सकते हो, अदरवाइज कॉल क्या कर सकते हो एस टी आर आर ई वी। मीन्स इस टाइप का कोई ऑपरेशन अगेन फिर से इंप्लीमेंट नहीं कर रहा हूँ, रिवर्स फंक्शन बनाना मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आप इस केस में रिवर्स फंक्शन रेडीमेड फंक्शन यूज कर सकते हो। क्लियर, नेक्स्ट वन, देन इसके जस्ट बाद आपको रिजल्टेंट स्ट्रिंग क्या मिलेगा लाइक दैट। अब इस केस में जस्ट आपको मीन्स फर्स्ट प्लेस पर एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या था गाय, देन उसके जस्ट बाद जितने भी वर्ड्स हैं सभी वर्ड्स को लेफ्ट टू राइट आप फिर से रिवर्स करना स्टार्ट करो। इसके साथ रिवर्स किस ग्रुप करा हुए, ईच वर्ड सेपरेटेड बाय स्पेस। फॉर एग्जांपल जब आप फर्स्ट वर्ड को रिवर्स करा हुए तो फर्स्ट वर्ड का रिवर्स क्या आएगा, सबसे पहले क्या आएगा जी देन यू देन वाई, देन नेक्स्ट टाइम सेकेंड वर्ड को रिवर्स कराएंगे सेकेंड वर्ड के अंदर लास्ट कैरेक्टर क्या है जी देन यू ओ ओ डी ओ ओ डी। नेक्स्ट टाइम अगेन इस वर्ड्स के अंदर सारे कैरेक्टर रिवर्स कराएंगे ए आर ई ए आर ई। नेक्स्ट टाइम अगेन नेक्स्ट वर्ड को रिवर्स कराएंगे, सबसे पहले क्या आएगा यू वाई देन ओ देन यू। क्लियर ना, आप चेक कर सकते हो मीन्स फाइनली आपके पास क्या रिजल्टेंट स्ट्रिंग क्या है, कंप्लीटली रिवर्स ऑफ द वर्ड्स। मीन्स इस केस में स्टेप्स क्या होंगे, सबसे पहले जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है उस ओरिजिनल स्ट्रिंग को कंप्लीटली रिवर्स करा लें, कंप्लीटली रिवर्स कराने के बाद देन आपको फाइनली जितने भी रिवर्स ऑर्डर में वर्ड्स अवेलेबल हैं देन इन सभी वर्ड्स को वर्ड टू वर्ड आप अगेन रिवर्स कराओगे देन आपको फाइनली क्या मिल जाएगा ओरिजिनल स्ट्रिंग। इसका आइडिया मीन्स बेटर आइडिया क्या था, इस केस में एक बार आपने रिवर्स करा लिया देन गाय मीन्स फर्स्ट प्लेस पर ट्रांसफर हो जाएगा और यू कॉन सेंड हो जाएगा लास्ट प्लेस पर, देन गाय फर्स्ट प्लेस पर अवेलेबल है, उसके अंदर कैरेक्टर्स कितने थ्री, तो इस थ्री कैरेक्टर को रिवर्स कराने के लिए स्पेस भी कितने बाइट्स का रिक्वायर्ड है थ्री बाइट्स का, इसलिए प्रॉपरली स्टोर कराना पॉसिबल है। सेम है डी ओ ओ जी को मीन्स गुड, गुड रिवर्स ऑर्डर में इसको जब रिवर्स करा हुए मीन्स देन अगेन रिवर्स ऑर्डर भी स्टोर कराने के लिए कितने बाइट्स रिक्वायर्ड है एग्जैक्टली फोर बाइट्स। सेम है आर को स्टोर कराने के लिए रिवर्स ऑर्डर कराने के लिए अगेन इसका रिवर्स भी कितने बाइट्स लेगा थ्री बाइट्स, इसलिए आपको कोई एक्स्ट्रा स्पेस या लेस स्पेस की रिक्वायरमेंट नहीं, मीन्स एग्जैक्टली सेम स्पेस, देयरफॉर इट इज अ बेटर आइडिया। तो इस पर्टिकुलर केस को इंप्लीमेंट करने के लिए अब जस्ट मैं आपको इसके लॉजिक्स बता रहा हूँ, अभी मैंने जस्ट आइडिया प्रोवाइड किया देन अब इसके लिए लॉजिक्स या सोर्स कोड किस टाइप से इंप्लीमेंट करो, सोर्स कोड को इंप्लीमेंट करने के लिए कुछ ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ जिससे आपके सोर्स कोड राइट डाउन करना पॉसिबल हुआ। क्लियर, तो सबसे पहले मैंने ओरिजिनल स्ट्रिंग लिया क्या यू आर गुड गाय विद इंडेक्सिंग, इंडेक्सिंग क्या 0 to 16 किसका इंडेक्स है नल का। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या है रिवर्सिंग गिवन स्ट्रिंग, जो भी आपके पास ओरिजिनल स्ट्रिंग है इस ओरिजिनल स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को जस्ट रिवर्स करा लोगे, तो मीन्स याद रखना रिवर्स कराने में कभी नल रिवर्स नहीं हो, नल उसी प्लेस पर रहेगा, ऐसा नहीं कि आप नल को फर्स्ट प्लेस पर ट्रांसफर कर दो स्ट्रिंग स्टार्टिंग में फिनिश हो जाएगा। क्लियर, इसे रिवर्सिंग के केस में जब इसको रिवर्स कराएंगे तो फर्स्ट प्लेस पर क्या जाएगा वाई के प्लेस पर क्या जाएगा जस्ट मैं सेकेंड मीन्स सेम प्लेस पर मैनेज कर रहा हूँ वाई के प्लेस पर क्या आएगा वाई एंड यू देन जी देन स्पेस देन डी ओ डी ओ ओ एंड जी। नेक्स्ट टाइम इसके जस्ट बाद क्या स्पेस, स्पेस के बाद क्या आर, आर के केस में क्या जाएगा ई आर ए। क्लियर, नेक्स्ट टाइम क्या स्पेस और स्पेस के बाद क्या यू, यू के केस में क्या जाएगा यू का रिवर्स वाई ओ सॉरी यू ओ वाई, तो नल के प्लेस पर क्या रहेगा ऑल्सो नल। दिस इज द स्ट्रिंग आफ्टर अप्लाइंग रिवर्स ऑपरेशन, मीन्स रिवर्स कराने के बाद आपके पास फाइनल स्ट्रिंग क्या रहेगा दैट वन। अब आपके पास मीन्स एक बार आपने स्ट्रिंग को रिवर्स करा लिया देन स्ट्रिंग को रिवर्स कराने के बाद मीन्स मैं इसके साथ साथ आपको लॉजिक्स भी प्रोवाइड कर रहा हूँ,
जिससे आपके लिए कोई कन्फ्यूजन्स क्रिएट ना हो। सबसे पहले फर्स्ट केस, जब इस केस में सोर्स कोड इंप्लीमेंट करेंगे फंक्शन का रिटर्न टाइप के यूज करेंगे कैर स्टार, क्योंकि मैं सेम स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा हूँ, फंक्शन नेम एज रिवर्स, ओनली फंक्शन नेम यूज कर रहा हूँ सिंपली रिवर्स। आर्ग्यूमेंट में रिक्वायर्ड क्या कैरेक्टर एरे, देयरफॉर वी आर टेकिंग एज कैरेक्टर एरे ए। देन रिक्वायर्ड वेरिएबल्स, इस केस में टोटल 3 वेरिएबल्स रिक्वायर्ड होंगे, इंटीजर आई जे एंड के, प्लस एक और एक्स्ट्रा वेरिएबल रिक्वायर्ड हुआ जस्ट स्वैपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, कैरेक्टर टाइप ऑफ वेरिएबल समथिंग सी एच और एक्स्ट्रा टेम्परेरी वेरिएबल टी। इनका यूज क्या जस्ट मैं अभी डायग्राम के थ्रू आपको हाईलाइट करूंगा। वन मोर थिंग, इस केस में सबसे पहले परफॉर्म क्या कराना, रिवर्सिंग गिवन ओरिजिनल स्ट्रिंग, तो ओरिजिनल स्ट्रिंग को जस्ट रिवर्स कराने के लिए कॉल क्या कर लेंगे, एस टी आर आर ई वी फंक्शन और स्ट्रिंग रिवर्स फंक्शन आर ई वी, इट इज रेडीमेड फंक्शन इन सी लैंग्वेज। या फिर मैंने ऑलरेडी आपको रिवर्स फंक्शन स्ट्रिंग को रिवर्स करने का फंक्शन इंप्लीमेंट कराया था, सेम फंक्शन आपके लिए राइट डाउन करना पॉसिबल और सेम लॉजिक्स, क्लियर। नेक्स्ट वन, रिवर्स में मैं कोई टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। नेक्स्ट है स्ट्रिंग कमीज, जैसे ही फंक्शन कॉल होगा देन आपका ऑरिजिनल कंटेंट्स क्या होंगे, लाइक दैट फॉर्मेट, क्लियर। अब आपको परफॉर्म क्या कराना, सारे के सारे वर्ड्स को रिवर्स कराना, तो इसके साथ टोटल 3 वेरिएबल्स क्रिएट किए मैंने, समथिंग आई जे के, वेरिएबल आई जे एंड के। इस आपके लिए टर्म्स आई जे के सबसे इंपॉर्टेंट केस हैं। सबसे पहले जो भी आपका सब फाइनल रिवर्स स्ट्रिंग है, रिवर्स स्ट्रिंग के सारे कैरेक्टर स्टार्टिंग टू एंड तक आप विजिट करोगे, तो विजिट करने के लिए जस्ट ऑलवेज यूज क्या करते हैं, फोर लूप। तो सेम अगेन क्या यूज करेंगे, फोर लूप। विजिट करने के रिस्पेक्ट में आई में जस्ट असाइन क्या कराएंगे, जीरो, जिसका इंडेक्सिंग। सबसे पहले क्या करो, आई के केस में, मीन्स आई के केस में स्ट्रिंग को तब तक ट्रेवर्स करोगे जब तक आपको फर्स्ट स्पेस ना मिल जाए, मीन्स आई को सेट क्या करा हुए, इस वर्ड से सेपरेट किस हो रहा है स्पेस से, तो एवरी टाइम आई को किस प्लेस पर सेट करेंगे, स्पेस पर। फर्स्ट टाइम आई का वैल्यू जीरो, लेकिन कब तक वेट करोगे, जब तक फर्स्ट स्पेस नहीं मिल जाता है। तो फर्स्ट टाइम जब आई के लिए, आई को जब स्पेस पर सेट करोगे, स्पेस पर जब आई सेट हुआ, तो स्पेस का इंडेक्स क्या है, इंडेक्स क्या है केस में, जस्ट 3। तो फर्स्ट टाइम आई के केस में एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है, स्वैपिंग कराने के लिए, मीन्स आपको जस्ट स्वैपिंग क्या कराना, सबसे पहले वाई यू जी, इसको स्वैप कराने के लिए, मीन्स किस प्लेस से लेकर कहाँ तक स्वैप कराना, मीन्स जीरो इंडेक्स से लेकर स्वैपिंग कहाँ तक कराना, जस्ट थर्ड इंडेक्स। तो आई में क्या गया, 3। नेक्स्ट वन जे की बात करें, लेकिन यहाँ स्पेस इटसेल्फ का भी स्वैप हुआ क्या, नहीं, स्पेस का पोजीशन चेंज नहीं हुआ, स्वैपिंग किसका हुआ, स्पेस का और स्पेस के प्रीवियस कैरेक्टर का, मीन्स फर्स्ट कैरेक्टर से लेकर स्पेस का प्रीवियस पोजीशन। अगर स्पेस का पोजीशन 3 है, तो प्रीवियस कैरेक्टर का पोजीशन क्या हो, 3 माइनस 1 इज 2, मीन्स 2। तो इस केस में नेक्स्ट कैरेक्टर में क्या यूज कर रहा हूँ, इस केस में जस्ट जे। जे के केस में क्या आसान हो जाएगा, जे के केस में क्या आसान हो जाएगा, जस्ट 2, क्लियर। नेक्स्ट वन, इसके अलावा एक और कैरेक्टर क्या मैनेज करेंगे, मीन्स बिगिनिंग, मीन्स स्टार्टिंग कहाँ से कराना, ये भी आपके पास एक प्लेस होना चाहिए। तो स्टार्टिंग फर्स्ट टाइम कहाँ से कराओगे, जस्ट 0 से, तो के में क्या मैनेज करूँगा, जस्ट 0। या फिर आप चाहो तो जे में क्या आसान करा सकते हो, 0, मीन्स बिगिनिंग प्लेस का इंडेक्स, जे इक्वल्स टू 0। के में क्या आसान हो जाएगा, जस्ट 3 माइनस 1 मीन्स 2। तो इसका मीन्स आपके पास एक्नॉलेजमेंट क्या है, जस्ट आपको जस्ट फर्स्ट टाइम जब स्वैप ऑपरेशन परफॉर्म कराओ, तो फर्स्ट टाइम स्वैपिंग किसके बीच में होगा, फ्रॉम गिवन इंडेक्स, मीन्स करेंटली आई किसको रिप्रेजेंट करेगा, ऑलवेज आई को आप कहाँ सेट करोगे, दिस इज द ए ऑफ आई थ एलिमेंट, मीन्स फर्स्ट स्पेस पर। जैसे फर्स्ट स्पेस पर आई सेट हो जाएगा, देन इसके प्रीवियस एलिमेंट ऑन वर्ड्स प्रीवियस टू फर्स्ट बिगिनिंग, मीन्स यहाँ तक आप जस्ट परफॉर्म क्या कराओ, स्वैपिंग, जे में क्या है, जस्ट 0। तो यू को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, जे, एंड जे जी का इंडेक्स किसके पास है, के के पास। नहीं, आपको स्वैपिंग किस में कराना है, इन 3 एलिमेंट्स, मीन्स फ्रॉम जे टू क्यू, जे टू के। तो अगेन आपको परफॉर्म क्या कराना है, स्ट्रिंग रिवर्स। तो स्ट्रिंग को रिवर्स करने के लिए जब एक कैरेक्टर्स रिवर्स हो जाएंगे, कैरेक्टर्स के रिस्पेक्ट में फर्स्ट टाइम स्वैपिंग किसके भी, मीन्स रिवर्स कहाँ से कहाँ तक कराना है, फ्रॉम जे टू के, और जे का वैल्यू क्या, 0 0 2 2, क्लियर। नेक्स्ट वन, एक बार एक कैरेक्टर स्वैप हो गए, देन नेक्स्ट टाइम अगेन, अब नेक्स्ट टाइम आप फिर से आप एरे को विजिट करना स्टार्ट करो आई के थ्रू, नेक्स्ट टाइम आई नेक्स्ट स्पेस पर सेट हो जाएगा, नेक्स्ट केस में स्पेस का पोजिशन क्या है, 8। तो नेक्स्ट टाइम आई के केस में एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है, जस्ट 8, क्लियर। नेक्स्ट वन, इस केस में जब नेक्स्ट टाइम आई का वैल्यू 8 हो जाएगा, इस पर्टिकुलर केस में चेक करो नेक्स्ट टाइम स्वैपिंग कहाँ से स्टार्ट करना है,
सॉरी रिवर्स ऑपरेशन फ्रॉम डी टू जी, तो जी का इंडेक्स क्या है सेवन, सेवन मीन्स आई माइनस एट, तो जी के केस में जे को कहाँ सेट कराओगे, अगेन बिगिनिंग, तो बिगिनिंग इंडेक्स मीन्स प्रीवियस केस में आई का वैल्यू क्या था थ्री, आप स्वैपिंग कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं फोर से, तो जे का वैल्यू क्या रखेंगे फोर, प्लस के में क्या सन कराओगे कहाँ तक स्वैपिंग कराना है आपको अप टू जी, और जी का इंडेक्स क्या है सेवन, तो स्पेस पर क्या जाएगा सेवन, तो नेक्स्ट टाइम इन स्वैपिंग किसके बीच होगा फोर फाइव सिक्स एंड सेवन्थ इंडेक्स मीन्स फोर टू सेवन, क्लियर, मीन्स आई जस्ट आपको रिप्रेजेंट क्या करेगा पोजिशन ऑफ द स्पेस, लेकिन आपको स्पेस को स्वैप नहीं कराना, स्पेस के प्रीवियस एलिमेंट को स्वैप कराना है फ्रॉम गिवन, तो इस टाइप से क्या है आपके लिए प्लेस होल्डर्स, मीन्स फर्स्ट टाइम स्वैपिंग किस एलिमेंट के बीच में होगा फ्रॉम जीरो टू टू, नेक्स्ट टाइम रिवर्स ऑपरेशन किसके लिए होंगे फ्रॉम फोर टू सेवन मीन्स जे टू के, नेक्स्ट टाइम अगेन इस लूप को विजिट करेंगे तो नेक्स्ट टाइम जब लूप को विजिट करो नेक्स्ट टाइम आई अगेन कहाँ सेट हो जाएगा नेक्स्ट स्पेस, नेक्स्ट टाइम स्पेस का इंडेक्स क्या है ट्वेल्व, तो नेक्स्ट टाइम जब आई का वैल्यू ट्वेल्व होगा उस केस में अगेन स्वैपिंग, आई के प्रीवियस एलिमेंट का इंडेक्स क्या है इलेवन, तो इस केस में स्वैपिंग कहाँ तक होगा सॉरी रिवर्स ऑपरेशन कहाँ तक होंगे अप टू इलेवंथ इंडेक्स, इसलिए के में क्या जाएगा इलेवन, और प्लस स्टार्टिंग कहाँ से कराना आपको ई से, तो ई का इंडेक्स क्या है इस केस में नाइन, ई का इंडेक्स क्या करेंटली नाइन, तो जे में क्या होना चाहिए नाइन, मीन्स नेक्स्ट टाइम नाइन टेन और इलेवन के बिटवीन में परफॉर्म क्या होगा रिवर्स ऑपरेशन, क्लियर, नेक्स्ट वन इसके जस्ट बाद, अब नेक्स्ट टाइम अगेन कंटिन्यू करो तो नेक्स्ट टाइम आपको कहीं मीन्स इसके जस्ट बाद नेक्स्ट टाइम कहीं भी स्पेस मिला है क्या नहीं, तो नेक्स्ट टाइम क्या मिला है नल, तो नल के केस में भी आपको रिवर्स ऑपरेशन कराना याद रखना, लेकिन नल इटसेल्फ रिवर्स होगा क्या नहीं मीन्स इस केस में रिवर्स के लिए मीन्स रिवर्स आपको कब कब परफॉर्म करना है, या तो आई का वैल्यू स्पेस के इक्वल है या फिर आई का वैल्यू नल के इक्वल है, स्पेशली याद रखना किस केस में रिवर्स ऑपरेशन परफॉर्म कराना है, आइदर ए ऑफ आई इज इक्वल इक्वल्स टू स्पेस और ए ऑफ आई इज इक्वल इक्वल्स टू नल, क्लियर, इन दोनों केसेस में आपको ऑलवेज स्वैपिंग परफॉर्म कराना है, नेक्स्ट टाइम इस पर्टिकुलर केस में आई का वैल्यू क्या है जस्ट 16, स्वैपिंग किसके बीच में होगा के का वैल्यू क्या होना चाहिए इस केस में 15 और जे का वैल्यू क्या होना चाहिए मीन स्वैपिंग कहाँ से रिवर्सिंग कहाँ से स्टार्ट करना 13 इंडेक्स, तो जे का वैल्यू क्या होना चाहिए जस्ट 13, मीन्स इन वैल्यूज के बेसिस पर आपके लिए लॉजिक से इजी वे में इंप्लीमेंट करना पॉसिबल, इसलिए मैंने पर्टिकुलर इंडेक्सिंग को मैनेज किया है, क्लियर, नेक्स्ट टाइम इस स्ट्रिंग को रिवर्स कराने के लिए मैं इसके अकॉर्डिंग इसके बेसिस पर जस्ट प्रोवाइड क्या करना लॉजिक्स और सोर्स कोड, फर्स्ट टाइम सबसे पहले इस पर्टिकुलर केस में आप मैनेज क्या करोगे स्ट्रिंग को ट्रेवर्स करने के लिए मैनेज क्या करेंगे ऑलवेज लूप, लूप के केसेस में आई का इनिशियल वैल्यू क्या यूज करेंगे आई इक्वल्स टू जीरो, क्लियर, नेक्स्ट टाइम फर्स्ट टाइम जे का वैल्यू भी क्या है ऑल्सो जीरो, वो आई और जे दोनों में ही क्या साइन कराओगे फर्स्ट टाइम आई एंड जे और आई एंड के, इसे इनिशियली आई जे के तीनों को ही मैं सेट कैसे कराऊं जस्ट जीरो, क्लियर, डेन मैटर मीन्स फर्स्ट टाइम तीनों ही वैल्यू उसमें क्या है जीरो, लेकिन आप नेक्स्ट टाइम लूप ये लूप कब तक चलेगा जब तक ए ऑफ आई नल नहीं हो जाता है, क्लियर, नेक्स्ट वन एवरी टाइम परफॉर्म क्या हुआ आई प्लस प्लस, क्लियर, नेक्स्ट वन इस लूप नेक्स्ट टाइम आपको परफॉर्म क्या करना मीन्स जब ये लूप चलेगा तो फर्स्ट टाइम चेक करो इस केस में फर्स्ट टाइम आई का वैल्यू क्या हुआ जीरो, मीन्स अगेन ये क्या आपके लिए कंक्लूजन, नेक्स्ट टाइम थ्री वेरिएबल्स हैं आई जे के, आई जे के केस में इनके इनिशियल वैल्यूज क्या है जस्ट लूप के थ्रू मैंने इनिशियलाइजेशन क्या कराया जीरो, तो तीनों ही वेरिएबल में आसान क्या हो जाएगा जीरो जीरो जीरो, नेक्स्ट वन लेकिन आप याद रखना फर्स्ट टाइम जब रिवर्स ऑपरेशन कब रिक्वायर्ड होंगे जब आई इटसेल्फ स्पेसेस को रिप्रेजेंट करना स्टार्ट करेगा, तो इस केस में एवरी टाइम लूप कंटिन्यू रखोगे लेकिन एवरी टाइम आपको इफ कंडीशन अप्लाई करना है इफ ए ऑफ आई इक्वल इक्वल स्पेस, अगर ए ऑफ आई का वैल्यू स्पेस के इक्वल है इसका मतलब से फर्स्ट स्पेस को रिप्रेजेंट करा तो देन इसके प्रीवियस जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनके रिस्पेक्ट में रिक्वायर्ड क्या है रिवर्स ऑपरेशन, तो रिवर्स ऑपरेशन कब परफॉर्म करना कब परफॉर्म नहीं करना रिप्रेजेंट कौन करेगा गिवन इफ कंडीशंस, लेकिन रिवर्स ऑपरेशन कितने केस में रिक्वायर्ड है या तो ए ऑफ आई का वैल्यू स्पेस है या फिर ए ऑफ आई का वैल्यू नल है, मीन्स दोनों ही कंडीशन आपको अप्लाई करना है मीन्स आइदर ए ऑफ आई इज स्पेस और ए ऑफ आई इज नल, लेकिन कोई प्रॉब्लम क्या है अगर ए ऑफ आई आप नल के लिए अप्लाई करो तो नल के लिए कंडीशन क्या हो जाए इफ ए ऑफ आई
इक्वल इक्वल नल। इस इन दोनों ही केस अगर इनमें से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है देन जस्ट आप परफॉर्म क्या कराओगे, परफॉर्म क्या कराओगे इस केस में, जस्ट रिवर्स ऑपरेशन। सो रिवर्स के रिस्पेक्ट में सेट क्या करेंगे वैल्यू ऑफ जे एंड के, बाद में सेट करें इसको। वन मोर थिंग्स स्पेशली याद रखना, अगर सपोज दैट ए ऑफ आई स्पेस को रिप्रेजेंट नहीं करा, ए ऑफ आई किसको रिप्रेजेंट करा नल को, अगर ए ऑफ आई का नल है वैल्यू नल है तो इसके इसमें ऑलरेडी फॉर लूप का कंडीशन क्या हो जाएगा फॉल्स, तो कंट्रोल यहां तक आएगा ही नहीं, क्लियर। इसलिए आप ए ऑफ आई से कंपेयर न करा के, जैसे ही आई इसके प्रीवियस प्लेस पर सेट हुआ इन दैट प्लेस देन उस केस में आप मीस इस केस में तो नल का मीस अगर आई इस लोकेशन को वाई को रिप्रेजेंट करा देन नल का लोकेशन क्या हो जाएगा जस्ट आई प्लस वन, तो आई से कंपेरिजन न करा के जस्ट इस केस में नल का कंपेरिजन कैसे कराएंगे आई प्लस वन, दिस इज द बेटर केस, क्लस क्लियर। नेक्स्ट वन, अगर इनमें से एक भी कंडीशन ट्रू है देन इस केस में परफॉर्म क्या कराओगे जस्ट स्वैपिंग, लेकिन स्वैपिंग को परफॉर्म सॉरी रिवर्स ऑपरेशन, स्ट्रिंग रिवर्स ऑपरेशन, तो स्ट्रिंग को रिवर्स करने के लिए रिवर्सिंग किसके बीच में बिटवीन जे एंड के, जे के केस में अभी जे का वैल्यू क्या है जस्ट जीरो। वन मोर थिंग्स, इस केस में जब लूप चलेगा फर्स्ट टाइम इसे फर्स्ट सभी केसेस में कंडीशन है एवरी टाइम क्या होगा इसे दिस इज द क्लोजिंग ऑफ इफ, क्लोजिंग ऑफ फॉर लूप, क्लोजिंग ऑफ प्रोग्राम लाइक दैट। इस पर्टिकुलर केस में फर्स्ट टाइम ए ऑफ आई में क्या है यू, कंडीशन इज फॉल्स, फॉल्स है देन नो एक्शन, नेक्स्ट टाइम यू कंडीशन इज फॉल्स, नेक्स्ट टाइम जी कंडीशन इज फॉल्स, आई के वैल्यू क्या है वन, आई के वैल्यू क्या है टू, आई के वैल्यू टू का देन आई के अंदर ए ऑफ आई में क्या है जी, जी के केस में एफ कंडीशन कैसा है फॉल्स देन नो एक्शन, नेक्स्ट टाइम आई प्लस प्लस होगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी थ्री, जैसे ही आई के वैल्यू थ्री होगा आई सेल्फ किस लोकेशन के इंडेक्स को रिप्रेजेंट करा नल सॉरी जस्ट स्पेस, तो इस केस में जस्ट जैसे ही आई का वैल्यू थ्री हुआ मीन से ए ऑफ थ्री इक्वल इक्वल स्पेस, कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स, दिस कंडीशन इज ट्रू, प्लस और ऑपरेटर अप्लाई की और के केस में क्या, अगर एक भी कंडीशन ट्रू देन ऑल रिजल्ट इज ट्रू, मीन रिजल्ट इस केस में फाइनली इफ कंडीशन ट्रू हो चुका है, इफ कंडीशन कब ट्रू है जब आई का वैल्यू थ्री हो चुका है, क्लियर। मीन आई के केस में क्या मिल जाए आपको थ्री, आई का वैल्यू थ्री है उस केस में जे और के बीच में आप स्वैपिंग करा हुए रिवर्स ऑपरेशन, तो जे का वैल्यू ऑलरेडी जीरो है, जे के लिए आपको कुछ चेंजेस परफॉर्म करना है नहीं, लेकिन आपको चेंजेस किसके लिए कराना है जस्ट के लिए, तो के में क्या जाएगा के अंदर क्या सेंड कराएं, के का वैल्यू मीन्स अगर आई का वैल्यू थ्री है तो के अंदर क्या रिक्वायर्ड है दिस इज द आई, मीन्स आई के प्रीवियस एलिमेंट का इंडेक्स, और प्रीवियस एलिमेंट का इंडेक्स क्या वो आई और आई माइनस वन, आई माइनस वन, इमीडिएटली नेक्स्ट टाइम जब रिवर्स ऑपरेशन से अप्लाई करने के लिए लूप मैनेज करेंगे अगेन, तो इस लूप के अंदर आई में क्या सेंड कराएंगे फोर लूप, सबसे पहले असाइनमेंट किस में कराना है इनसाइड फोर, फोर के केस में जस्ट मैं राइट डाउन क्या कर रहा हूं इस आई का करंट वैल्यू क्या चुका है थ्री, और जे का वैल्यू क्या अभी जीरो, के का वैल्यू क्या जीरो, मैं इसको जस्ट रिमूव कर रहा हूं क्योंकि मुझे जस्ट इस प्लेस पर स्पेस रिक्वायर्ड होगा सोर्स को राइट डाउन करने के लिए, जिस आई जे एंड के, आई का इनिशियल वैल्यू क्या था थ्री। नेक्स्ट इन दैट केस, इस केस में आप जस्ट परफॉर्म क्या कराओगे मीन्स के इक्वल्स टू, के में असाइनमेंट क्या हुआ के इक्वल्स टू आई माइनस वन, मीन्स प्रीवियस लोकेशन का इंडेक्स, क्लियर। लेकिन एक और केस, इस केस में आपको ऑब्जर्व करने की नीड होगी मीन्स बाद में जस्ट जब आई का वैल्यू क्या हुआ एन एवर आई बिकम्स 15, जैसे ही आई का वैल्यू 15 होगा देन इस केस में अगेन चेक करो आई का वैल्यू 15 होने केस में ए ऑफ आई में क्या वाई, तो इस केस में ए ऑफ आई क्या रिप्रेजेंट करेगा फॉल्स, मीन्स ए ऑफ मीन्स अगर आई का वैल्यू 15 है देन ए ऑफ 15 चेक होगा इस केस में कंडीशन में ए ऑफ 15 इक्वल इक्वल स्पेस, इज इट ट्रू और फॉल्स, कंडीशन फॉल्स। देन सेकेंड कंडीशन टेस्ट होगा तो सेकेंड कंडीशन क्या आएगा ए ऑफ आई, आई मीन्स 15 प्लस 1 इज 16, और ये आप 16 में अगर नल है देन ये कंडीशन कैसा है ट्रू, सेकेंड कंडीशन ट्रू देन इस केस में परफॉर्म क्या हुआ ऑल्सो रिवर्स ऑपरेशन। लेकिन सेकेंड फर्स्ट केस में इस अगर ये फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है देन उस केस में आपको के में क्या सेंड कराना है आई माइनस वन, लेकिन अगर इस पर्टिकुलर केस में नल के केस में सेकेंड कंडीशन अगर ट्रू हो रहा है देन उस केस में के अंदर आसानी मीन आई करेंटली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 15, और स्वैपिंग भी आपको किस प्लेस से कराना है अगेन वाई ऑनवर्ड्स, तो इस केस में के अंदर आपको प्रीवियस पोजीशन का इंडेक्स असाइन कराना है सेम वैल्यू ऑफ आई के इक्वल्स टू आई, तो इस केस में कंडीशन क्या बन जाएगा जस्ट लाइक दैट, के में डायरेक्टली असाइनमेंट न करके मैं कंडीशनल ऑपरेटर का यूज करके असाइनमेंट कराऊंगा, मीन्स इफ सॉरी कंडीशनल ऑपरेटर केस में कंडीशन क्या है
इफ के ऑफ ए ऑफ आई प्लस वन इक्वल इक्वल नल, और इसका वैल्यू नल है, देन इस केस में आई में क्या असाइन कराओगे? इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, के ऑफ आई प्लस नल, अगर नल मिल रहा है इस केस में के में क्या असाइन कराना है? आई माइनस वन और के इक्वल्स टू आई, के इक्वल्स टू आई, तो इस केस में कंडीशनल ऑपरेटर के थ्रू जस्ट असाइन क्या करें, के इक्वल्स टू आई। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो फॉल्स कब होगा? जब के ऑफ आई स्पेस होगा, अगर के ऑफ आई का वैल्यू स्पेस के इक्वल है देन ये कंडीशन फॉल्स हो जाए, फॉल्स होगा देन उस केस में क्या असाइन कराना है आई में, सॉरी के में क्या असाइन कराना है, आई और आई माइनस वन, आई माइनस वन देन के इक्वल्स टू आई माइनस वन, दिस इज द इनिशियलाइजेशन सेशन इनसाइड दिस फॉर लूप, क्लियर। तो फर्स्ट टाइम अगर इनिशियली बात करें तो इनिशियली अभी करेंटली के का वैल्यू क्या है, सॉरी आई का वैल्यू करेंटली क्या है, थ्री, तो ए ऑफ थ्री में चेक करो, इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ, ए ऑफ थ्री, ए ऑफ थ्री की मीन्स फर्स्ट कंडीशन क्या है, ए ऑफ फोर इज थ्री प्लस वन इज फोर इक्वल इक्वल स्पेस, इज दिस कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स? कंडीशन इज फॉल्स, क्योंकि ए ऑफ फोर में क्या है स्पेस, कंपेरिजन किस हो रहा नल से, फॉल्स, कंडीशन फॉल्स है देन फॉल्स के केस में के में क्या सन होगा, आई माइनस वन, और आई का वैल्यू क्या है थ्री, थ्री माइनस वन इज टू, फाइनली आई का वैल्यू क्या सेट हो जाएगा इस केस में, सॉरी के का वैल्यू क्या सेट हो जाएगा, के बिकम्स टू, क्लियर। नेक्स्ट वन, इसके जस्ट बाद जब आई का वैल्यू थ्री है देन आपको स्वैपिंग किस इंडेक्स से किस इंडेक्स तक कराना है, जीरो टू टू, तो इन दोनों में से जीरो जे में फाउंड हो रहा है और टू के में फाउंड हो रहा है, देन इसके जस्ट बाद स्वैपिंग कब तक, रिवर्स मीन्स, रिवर्स मीन्स जस्ट इस लूप के थ्रू परफॉर्म क्या रहा है, रिवर्स ऑपरेशन फॉर गिवन वर्ड्स और लेफ्ट वर्ड ऑफ द आईथ इंडेक्स, आईथ इंडेक्स के लेफ्ट साइड में जो भी वर्ड है उस वर्ड के लिए आपको रिवर्स ऑपरेशन परफॉर्म कराना है, और रिवर्स ऑपरेशन के लिए जस्ट आप यूज क्या करोगे, जब तक जे का वैल्यू के से छोटा है देन एवरी टाइम परफॉर्म क्या हुआ, जे के रिस्पेक्ट में क्या परफॉर्म हुआ, जे में एवरी टाइम से जे का वैल्यू, जे कहाँ सेट हो रहा है, स्पेस पर सेट क्या हो रहा है, जे और स्पेस पर सेट क्या हो रहा है, के, तो फर्स्ट टाइम जे थो और के थे इंडेक्स में स्वैपिंग हुआ तो स्पेस पर क्या जाएगा जस्ट जी, एंड स्पेस पर क्या जाएगा जस्ट वाई, क्लियर। नेक्स्ट वन, और आई का मीन सभी जे का वैल्यू क्या है जीरो, के का वैल्यू क्या है टू, नेक्स्ट टाइम जे में क्या हुआ इंक्रीमेंट, तो जे की वैल्यू क्या हो जाएगी वन, और के में क्या हुआ डिक्रीमेंट, टू माइनस वन क्या हो जाएगा वन, मीन्स दोनों का वैल्यू वन वन है, इस दोनों के मीन्स जे और के दोनों ही यू को रिप्रेजेंट करते, यू को रिवर्स करने की जरूरत है क्या, नहीं, इसलिए मैंने कंडीशन क्या अप्लाई किया, जे लेस देन के, जे लेस देन के फर्स्ट केस में, फर्स्ट केस में जीरो लेस देन टू कंडीशन ट्रू था, लेकिन सेकेंड केस में जे का वैल्यू वन होगा और के का वैल्यू क्या होगा वन, कंडीशन फॉल्स होगा, इसलिए मैंने कंडीशन क्या लगाया, जे लेस देन के, जे हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में ग्रो करेगा और के डिक्रीजिंग ऑर्डर में ग्रो करेगा, इसलिए जे के रिस्पेक्ट में राइट डाउन क्या करेंगे, जे प्लस प्लस कॉमा के रिस्पेक्ट में राइट डाउन करेंगे के माइनस माइनस, क्लियर, के माइनस माइनस, देन क्लोज दिस लूप, दिस द आई, देन लूप क्लोज करने के बाद इसके अंदर, लूप के अंदर जस्ट आपको परफॉर्म क्या कराना, स्वैपिंग, स्वैपिंग के लिए मैंने एक्स्ट्रा वेरिएबल टी यूज किया था, स्वैपिंग का लॉजिक क्या है, स्वैपिंग किसमें कराना है, ए एवरी टाइम जे थिंड के थिंडेक्स, तो इसलिए जे टी में क्या सन करा लेंगे, ए ऑफ जे एंड ए ऑफ जे इक्वल्स टू ए ऑफ के एंड ए ऑफ के इक्वल्स टू टी, इसे इस लॉजिक के थ्रू जस्ट परफॉर्म क्या हो जाएगा, स्वैपिंग, देन क्लोज दिस लूप, जैसे इस लूप का टर्मिनेशन होगा चेक इट करेंटली, इस स्पेस पर सेट किया अभी जस्ट आई, इस केस में फर्स्ट टाइम जब ये लूप एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा तो करेस्पॉन्डिंग वैल्यूज क्या है, जीरो एंड टू, जीरो एंड टू के अकॉर्डिंग फर्स्ट टाइम जीरो एंड टू में स्वैपिंग परफॉर्म तो स्पेस पर क्या जाएगा जी, और स्पेस पर क्या जाएगा वाई, नेक्स्ट टाइम परफॉर्म क्या होगा इसके अकॉर्डिंग जे प्लस प्लस, तो जे की वैल्यू क्या हो जाएगी वन, और के रिस्पेक्ट में परफॉर्म क्या होगा के माइनस माइनस, तो के का वैल्यू क्या जाएगा ऑल्सो वन, अगेन कंडीशन टेस्ट होगा लूप के अंदर, जे लेस देन के, जे का वैल्यू क्या है वन, के का वैल्यू क्या है वन, वन लेस देन वन, इज दिस कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स, कंडीशन इज फॉल्स, कंडीशन फॉल्स है रीजन क्योंकि अब आपको गाय के रिस्पेक्ट में कोई स्वैपिंग रिक्वायर्ड है क्या, नहीं, क्योंकि सारे के सारे कैरेक्टर ऑलरेडी रिवर्स हो चुके हैं, क्लियर, कंडीशन फॉल्स होने के इसमें कंट्रोल कहाँ आएगा, आउटसाइड बॉडी ऑफ लूप, लूप के जस्ट बाहर आएगा कंट्रोल, लूप के बाहर कोई भी स्टेटमेंट नहीं, देन कंट्रोल कहाँ आउटसाइड बॉडी ऑफ इफ, इफ के बाद देन परफॉर्म क्या होगा
आई प्लस प्लस, लेकिन स्पेशली याद रखना नेक्स्ट टाइम अगर आई प्लस प्लस के रिस्पेक्ट में आप सर्च क्या करोगे, नेक्स्ट ऑक्रेंस ऑफ स्पेस, नेक्स्ट टाइम आई सेट कहाँ हो जाएगा, इन दैट प्लेस, आई किस प्लेस पर सेट हुआ, दैट इंडेक्स और सेकेंड ऑक्रेंस ऑफ द स्पेस। तो इस केस में सेकेंड ऑक्रेंस में आई का इंडेक्स क्या हुआ, इस केस में 8, जब आई का वैल्यू 8 होगा उस केस में जे का वैल्यू क्या रिक्वायर्ड है 4 और के का वैल्यू क्या रिक्वायर्ड है 7। तो के के रिस्पेक्ट में तो कोई दिक्कत नहीं, क्यों के अंदर वैल्यू क्या आसान हो रहा है लाइक दैट, इस बेसिस पर के अंदर क्या आसान हो जाएगा गिवन दैट, क्लियर। इस कंडीशन को राइट डाउन करने का एक और अप्रोच में राइट डाउन कर रहा हूँ, इस सेम केस इस टाइप से भी राइट कर सकते हैं, k इक्वल्स टू कंडीशन क्या था, इफ a ऑफ i इक्वल इक्वल नल, अगर a ऑफ i का वैल्यू नल है देन इस केस में जस्ट रिटर्न क्या कराएंगे, नल के केस में क्या रिटर्न कराओगे, i इटसेल्फ अदरवाइज i माइनस वन, अगर एक कंडीशन फॉल्स है देन i माइनस वन, दिस इज द एन ऑफ द वे ऑफ राइटिंग सेम कंडीशंस, दिस इज द बेटर केस। मींस इस केस में k में अगर कंडीशन ट्रू हुआ देन i साइन हुआ, कंडीशन फॉल्स हुआ देन i माइनस वन साइन हुआ, क्लियर। नेक्स्ट वन, इस केस में जस्ट नेक्स्ट टाइम जब i का वैल्यू 8 हो जाएगा उस केस में j में क्या एक्सपेक्टेड है 4, और j में एक्सपेक्टेड वैल्यू 4 कौन देगा, मींस आपको याद होना चाहिए जब रिसेंटली जब ये लूप टर्मिनेट हुआ तो लूप के बाहर जे जस्ट सेट का जो फर्स्ट ऑक्रेंस है स्पेस के इसके नेक्स्ट प्लेस पर सेट कराएंगे, नेक्स्ट प्लेस का इंडेक्स क्या है आई प्लस वन, क्लियर। तो इसलिए नेक्स्ट टाइम जब कंट्रोल लूप से बाहर आएगा तो लूप के बाद जे में क्या सेंड करा दोगे आई प्लस वन, आई की प्लस मीन्स आई का करंट वैल्यू क्या है 3 प्लस वन इज 4, तो जे में क्या सेंड हो जाएगा नेक्स्ट टाइम जे में क्या होगा 4, क्लियर। नेक्स्ट वन, जे में 4 असाइन होने के बाद देन अगेन फिर से कंट्रोल करना है आउटसाइड बॉडी ऑफ लूप, मीन्स क्या परफॉर्म होगा आई प्लस प्लस परफॉर्म होगा, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी नेक्स्ट टाइम 4 के केस में इफ कंडीशन क्या रहेगा फॉल्स, क्या भी मीन्स इफ कंडीशन कब ट्रू होगा जब ए ऑफ आई नल रिप्रेजेंट करेगा, तो फोर्थ के केस में फोर्थ इंडेक्स में क्या स्पेस और डी के केस में फॉल्स, इस नेक्स्ट टाइम इफ कंडीशन कब ट्रू होगा जब आई का वैल्यू 8 हो चुका होगा, क्लियर। जैसे आई प्लस मीन्स फर्स्ट टाइम ए ऑफ आई क्या है डी ओ ओ जी, जैसे ही इसमें स्पेस आएगा देन एक कंडीशन क्या हो जाएगा ट्रू, और ट्रू के केस में आई का वैल्यू क्या रहा होगा समथिंग 8, देन अगेन कंडीशन ट्रू होने के बाद मीन्स इफ कंडीशन ट्रू हो चुका देन अगेन ये लूप एग्जिट हो, तो लूप के अकॉर्डिंग सबसे पहले के में आसान होगा, चेक करो इस केस में जब आई का वैल्यू 8 है उस केस में के का एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है 7 और जे का एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है 4, तो जे में ऑलरेडी 4 आसान हो चुका है जस्ट प्रीवियस ऑपरेशन के थ्रू, अब आपको असाइनमेंट किस में कराना है के में, के किस में जस्ट इस कंडीशन को टेस्ट करें, कंडीशन क्या है ए ऑफ आई मीन्स ए ऑफ 8 इक्वल इक्वल नल, कंडीशन टू और फॉल्स है देन रिटर्न क्या हो आई माइनस वन, और आई का वैल्यू क्या है 8 माइनस वन क्या होता है 7 किस में आसान हो जाएगा के में, और इस केस में आपको रिक्वायर्ड भी क्या था 4 एंड 7, अवेलेबल क्या 4 एंड 7, तो इस केस में अगेन जब ये लूप चलेगा एवरी टाइम, तो लूप के थ्रू 4 और 7 इंडेक्स, 4 से लेकर 7 इंडेक्स तक जितने भी एलिमेंट है मीन्स डेट प्लेस सारे एलिमेंट जस्ट क्या हो जाएंगे स्वैप, तो सबसे पहले स्वैपिंग किसमें हुआ डी और जी, डी का मीन्स इस प्लेस पर क्या जाएगा जी और इस प्लेस पर क्या जाएगा डी। नेक्स्ट टाइम परफॉर्म क्या हुआ जे प्लस प्लस के माइनस माइनस, तो जे की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 और के का वैल्यू क्या हो जाएगा 6, अगेन फिफ्थ और सिक्स इंडेक्स में स्वैपिंग परफॉर्म हुआ, दोनों में ऑलरेडी हुआ दोनों स्वैप हो जाएंगे, उसके बाद अगेन परफॉर्म क्या हुआ जे प्लस प्लस के माइनस माइनस, के का वैल्यू क्या हो जाएगा 5। नेक्स्ट टाइम इफ कंडीशन कैसा है फॉल्स, क्योंकि 6 less than 5 कंडीशन इज फॉल्स, फॉल्स है देन स्वैपिंग स्टॉप हो जाएगा, स्वैपिंग स्टॉप होने से पहले जब कंट्रोल फोर लूप से आ रहा है तो जे में क्या आसान हो जाएगा आई प्लस वन फॉर फ्यूचर पर्पज, क्यों नेक्स्ट टाइम जे का वैल्यू क्या रिक्वायर्ड होगा 9 और करंटली आई का वैल्यू क्या है 8, 8 प्लस 1 इज 9, 9 किस में आसान हो जाएगा जे में, तो जे की वैल्यू क्या होगी इस ऑपरेशन के जस्ट बाद 9, जिसको नेक्स्ट टाइम आपके लिए यूज करना पॉसिबल हुआ, क्लियर। नेक्स्ट वन, इसके जस्ट बाद फिर से लूप मीन्स आई प्लस प्लस होगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 9, देन अगेन ये आई प्लस प्लस और आई में इंक्रीमेंट कब तक हुआ जब नेक्स्ट टाइम आपको स्पेस नहीं मिला, तो नेक्स्ट टाइम स्पेस कब मिलेगा दैट प्लेस, स्पेस पर आई का वैल्यू क्या होगा करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या होगा आई का 12, मीन्स इंडेक्स क्या होगा इस केस में 12 इंडेक्स के केस में नेक्स्ट टाइम जब आई का वैल्यू 12 होगा उस केस में जे का एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है 9, जो कि ऑलरेडी अवेलेबल है जस्ट प्रीवियस असाइनमेंट के अकॉर्डिंग, क्लियर। के में क्या एक्सपेक्टेड है 11, के में 11 कैसे आएगा जस्ट आई माइनस वन, के आई का वैल्यू क्या है 12 माइनस वन इज 11, तो इस केस में चेक करो जब
कंडीशन टू मीन्स फोर के रिस्पेक्ट में, अगेन ये कंडीशन टेस्ट टू कंडीशन फॉल्स है, आसान क्या हुआ आई माइनस वन, और आई का वैल्यू 12 है, 12 माइनस वन इज 11, के में क्या आसान हो जाएगा जस्ट 11, क्लियर 11 आसान होने की जस्ट बाद अगेन परफॉर्म किया हुआ स्वैपिंग, लेकिन अब स्वैपिंग किस इंडेक्स से लेकर कहाँ तक होगा, 9 इंडेक्स से लेकर 11th इंडेक्स के बीच में, इधर 9th इंडेक्स से 11th इंडेक्स फर्स्ट टाइम आई का मीन्स जब लूप एग्जीक्यूट लूप के अकॉर्डिंग जे का वैल्यू क्या है 9 लेस देन 11, कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन ट्रू देन स्वैपिंग किसके बीच में होगा 9 और 11 इंडेक्स के बीच में, 9 में क्या है ई के प्लेस पर क्या जाएगा ए, और ए के प्लेस पर क्या जाएगा ई, क्लियर। नेक्स्ट वन उसके बाद परफॉर्म क्या होगा जे प्लस प्लस, जे प्लस प्लस में जे का वैल्यू क्या हो जाएगा 10, और के लिए क्या होगा माइनस माइनस, तो के का वैल्यू क्या हो जाएगा 11 में से माइनस वन करोगे तो क्या आएगा 10, दोनों के वैल्यू क्या है 10 10, तो नेक्स्ट टाइम कंडीशन टेस्ट होगा जे लेस देन के, कंडीशन इज फॉल्स, कंडीशन फॉल्स है देन स्वैपिंग होना स्टॉप हो जाएगा, और ऑलरेडी ये वर्ड कंप्लीटली रिवर्स हो चुका है, क्लियर। नेक्स्ट टाइम इसके जस्ट बाद जे में क्या आसान हो जाएगा आई प्लस वन, और आई का करंट वैल्यू क्या है 12, 12 प्लस वन इज 11, नेक्स्ट टाइम जे का वैल्यू क्या हो चुका है 11, क्लियर। मीन्स जे कहाँ सेट है, सॉरी 11 नहीं, आई का वैल्यू क्या था 12, 12 प्लस वन इज 13, तो इस केस में जे में क्या आसान होगा 13, और 13 किसका इंडेक्स है यू का, मीन्स जे कहाँ सेट है इस प्लेस पर। नेक्स्ट टाइम आई में अगेन इंक्रीमेंट होगा एवरी टाइम, प्लस एवरी टाइम कंडीशन टेस्ट होगा, तो आप चेक कर सकते हैं ए ऑफ आई में आगे कहीं स्पेस तो है नहीं, लेकिन ए ऑफ आई में कहीं ना कहीं क्या है ए ऑफ आई प्लस वन में क्या है नल, सपोज दैट आई का वैल्यू क्या हो चुका है 15, आई का वैल्यू क्या है जस्ट 15, अगर आई का वैल्यू 15 है उस केस में फोर लूप के अंदर क्या पास होगा ए ऑफ 15, और ए ऑफ 15 में कैरेक्टर कौन सा है वाई, और वाई का आस्की वैल्यू कैसा है, वाई का आस्की वैल्यू कैसा है जीरो, नॉन जीरो, नॉन जीरो, मीन्स कंडीशन फोर लूप का एक कंडीशन ट्रू है, फोर का कंडीशन ट्रू है, फिर इस केस में अगेन टेस्ट करेंगे ए ऑफ आई वैल्यू क्या है 15, 15th इंडेक्स में क्या है जस्ट यू, तो फर्स्ट कंडीशन कैसा है फॉल्स, क्योंकि नल के इक्वल नहीं, लेकिन इस केस में चेक कर सकते हो ए ऑफ 15 प्लस 1 मीन्स 16 इक्वल इक्वल नल, मीन्स इसका मतलब क्या है जस्ट नेक्स्ट प्लेस पर क्या आने वाला नल, और नेक्स्ट प्लेस पर नल आएगा तो ये फोर का कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, इसलिए मैंने आई से चेक नहीं करा कि चेक किससे करा है आई प्लस वन से, क्लियर, क्योंकि इस केस में ए ऑफ आई क्या रहा होगा ट्रू, लेकिन ए ऑफ आई प्लस वन क्या हो जाएगा नल, अगर ए ऑफ आई प्लस वन नल है देन अगेन आपको रिवर्स ऑपरेशन रिक्वायर्ड है कंडीशन ट्रू होने के केस में, अगेन के में नेक्स्ट टाइम वैल्यू कैसा होगा अगर नहीं कंडीशन टेस्ट करें ए ऑफ 15, ए ऑफ 15 इक्वल इक्वल नल, ए ऑफ 15 सॉरी आई का वैल्यू क्या करंटली 13, और चेक किस के लिए कर रहे हैं ए ऑफ 15, या मैंने कंडीशन मिस्टेक किया है, कंडीशन में आई राइट ना करके क्या राइट करोगे आई प्लस वन, एवरी टाइम कंपेरिजन केस होगा आई प्लस वन, क्लियर। अगर एक कंडीशन ट्रू है तो इस केस में चेक कर सकते हो आई का वैल्यू क्या है 15, 15 प्लस वन इज 16, ए ऑफ 16 का कंपेरिजन नल से हुआ, और ए ऑफ 16 में क्या है ऑल्सो नल, मीन्स एक कंडीशन कैसा है ट्रू, कंडीशन ट्रू है तो इस बार के में कैसा हुआ आई माइनस वन या आई इट सेल्फ, आई इट सेल्फ, और आई का करंट वैल्यू क्या है 15, तो नेक्स्ट टाइम अगर आई का वैल्यू करेंटली 15 है तो नेक्स्ट टाइम जे में सॉरी के में कैसा हो जाएगा आई इट सेल्फ मीन्स ऑल्सो 15, तो नेक्स्ट टाइम स्वैपिंग किस में हुआ 13 टू 15, 13 से लेकर 15 के बीच में, नेक्स्ट टाइम अगेन स्वैपिंग जब परफॉर्म हुआ तो स्वैपिंग के रिस्पेक्ट में जस्ट कंडीशन टेस्ट करें जे का वैल्यू क्या 13 लेस देन 15, कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन टू देन स्वैपिंग हुआ, स्वैपिंग होने केस में यू के प्लेस पर क्या रिप्लेस होगा वाई, और वाई के प्लेस पर यू, देन परफॉर्म क्या होगा आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस सॉरी जे प्लस प्लस, जे का वैल्यू क्या हो जाएगा 14, के माइनस माइनस, के का वैल्यू क्या हो जाएगा 14, देन नेक्स्ट कंडीशन टेस्टिंग 14 लेस देन 14, कंडीशन बिकम फॉल्स, फॉल्स हो चुका है, प्लस चेक कर सकते हैं वर्ड भी ऑलरेडी कंप्लीटली रिवर्स हो चुका है, देन फॉल्स होने के बाद कंट्रोल बाहर आएगा, जे में कैसा हो जाएगा आई प्लस वन, आई का वैल्यू क्या है 15, तो जे का वैल्यू क्या हो जाएगा 16, नेक्स्ट टाइम परफॉर्म क्या होगा आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस होगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी जस्ट 16, फोर लूप के अंदर सप्लाई क्या हुआ ए ऑफ 16, और ए ऑफ 16 में क्या नल, नल मीन्स जीरो, जीरो के अकॉर्डिंग फोर लूप का कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, इसलिए कंट्रोल कहाँ जाएगा आउटसाइड लूप, देन जब भी कंट्रोल लूप से बाहर आएगा
देन आउटर लूप से बाहर आ चुका था ना, इस केस में आप रिटर्न क्या कराओगे? एड्रेस ऑफ ओरिजिनल स्ट्रिंग, ओरिजिनल स्ट्रिंग मींस ई, क्लियर? चेक कर सकते हो इस केस में जब ये लूप कंप्लीट हो जाएगा, ओरिजिनल स्ट्रिंग क्या था? यू आर गुड गाय, लेकिन चेक करो रिवर्स होने के बाद लास्ट वर्ड क्या है? गाय, सेकंड लास्ट वर्ड क्या है? गुड, थर्ड वर्ड क्या है? आर, देन यू, मींस वर्ड्स कंप्लीटली इस केस में रिवर्स हो चुके हैं। दिस इज द बिहेवियर, सॉरी दिस इज द पर्पज ऑफ इंप्लीमेंटिंग दिस रिवर्स ऑपरेशन। लेकिन इस केस में याद रखना है, रिवर्स फंक्शन के थ्रू कैरेक्टर्स को रिवर्स कराया मैंने या फिर वर्ड्स को रिवर्स कराया, इस वर्ड्स को रिवर्स कराया, देन प्रोग्राम को टेस्ट करने के लिए मेन फंक्शन आप सिमिलर बिहेवियर में क्रिएट करोगे। मेन फंक्शन के लिए कोई भी स्पेसिफिक न्यू लॉजिक्स नहीं, क्लियर? फिर मैं इसके इसमें मेन फंक्शन और मेन प्रोग्राम प्रोवाइड कर रहा हूँ। देन इस फंक्शन को राइट डाउन करने के जस्ट बाद आप मेन फंक्शन क्रिएट कर सकते हो, वॉइड मेन, देन क्रिएटिंग कैरेक्टर एरे, कैर ए समथिंग 100, देन रीडिंग इनपुट स्ट्रिंग गेट्स ए, देन पहले आप ओरिजिनल स्ट्रिंग को डिस्प्ले करा सकते हो पोर्ट्स ए, देन उसका कॉल क्या किया उन्हें? रिवर्स फंक्शन, और रिवर्स फंक्शन में जिस स्ट्रिंग के वर्ड्स को रिवर्स कराना वो स्ट्रिंग पास करोगे। देन नेक्स्ट वन अगेन डिस्प्ले क्या करा लोगे? पोर्ट्स ए, क्लियर? मिस इस टाइप से प्रोग्राम के फंक्शनलिटी टेस्ट करना पॉसिबल है। मिस इस केस में कोई स्पेशल लॉजिक्स नहीं है, सिंपली मैंने एक लूप मैंने इसके चेक कर सकते हो। इस केस में इस कोडिंग का ब्यूटी क्या है, इसके अंदर आपको कोई भी एक्स्ट्रा एरे क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ी। दूसरा केस अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अकॉर्डिंग लूप कहाँ से कहाँ तक एग्जीक्यूट हो रहा है? फ्रॉम 0 टू n माइनस 1, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? ऑर्डर ऑफ n, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? ऑर्डर ऑफ 1, 1 मीन्स कॉन्स्टेंट, क्लियर?